आज हम एक असाइनमेंट करेंगे पेंट का, और पेंट में पेंटिंग ड्राइंग करेंगे हम यहाँ पर। तो ये पेंसिल टूल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। पेंसिल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर जो माउस का इधर वाला लेफ्ट क्लिक है ये प्रेस करके रखना है। तो जब इसको प्रेस करके हम रखेंगे ये साइड से, तो ऐसे बनेगा। तो उसको छोड़ना नहीं है, ऐसे लेकर आना है सारा, और अच्छे से लेकर आना है। तो इसको हम कंट्रोल जेड करके एक मरतबा फिर से ऐसे अच्छे से लेकर आएंगे। ये ऐसे पूरा ड्रॉ होने के बाद इधर तक ले जाना है, और नीचे से इधर लेकर हम देख सकते हैं, इसको बोलेंगे स्क्रॉल बार, ये पैक हुआ या नहीं, जिसकी वजह से पूरा कलर उसमें आएगा। फिर हमको फिल बकेट लेना होगा, और फिर फिल बकेट से हम ग्रीन ग्रास का कलर उसमें ऐसे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम स्काई का या आसमान का कलर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा पहाड़ और ये स्काई आसमान। अब हम यहाँ से ये शेप लेंगे, और वह शेप लेने के बाद उसको कोई एक कलर, जैसे कि हमें जो भी सूरज वगैरह बनाना हो, तो इस तरह यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और ये फिल बकेट से उसमें ऐसे कलर फिल कर देंगे। अब सूरज के सन रेज हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे मल्टीपल वे में हमें ये सारे इस तरह से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना होगा, और ये प्रेस ऐसे बनाते आना होगा। ऐसे बनाने के बाद अगर ये हट जा रहा हो तो दूसरे पे क्लिक करने के बाद फिर से वहीं जाना होगा, तो तब जाकर वो हटेगा नहीं। दूसरा सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही लेना होगा। तो हम ऐसे उसके रेज बना सकते हैं। रेज कैसे भी हो सकते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, मिक्सचर में रहेंगे ये। तो ऐसे रेस हम इसमें बना देंगे। इसको अच्छे से आपको रेडी करके रखना होगा। यह अभी रफली बनाया जा रहा है। जब यह ऐसे पूरा रेडी हो जाए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड अगर हमें गलती अगर आ रही है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखना होगा, और जेड एक एक मरतबा जेड प्रेस करेंगे तो ऐसे रेस को हम वापस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो था दिन में सूरज का, अब हमें इसको नाइट करना है। तो हम यहाँ से कलर बकेट लेंगे और उसको कर देंगे डार्क। तो इसे हम बना देंगे मून। यहाँ से हम इसको मून का कलर दे देंगे। अब ये ग्रास जो है ऐसी चमकती नहीं है रात में, तो हम इसको डार्क कलर दे देंगे। और डार्क कलर अगर देना हो तो एडिट कलर्स में आने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद इसको मजीद हम डार्क ऐसे कर सकते हैं। इसको ऐसे डार्क करेंगे और ओके करेंगे तो ये कस्टम कलर्स में यहाँ आ जाएगा। उसको ऐसे हम फिल करेंगे तो ये रात के वक्त का ही आ गया। अब इसके बाद या तो हम स्टार्स को यहाँ से स्टार लेने के बाद ऐसे भी बना सकते हैं, जिसको हम कलर रखेंगे येल्लो या फिर वाइट, दोनों भी आप रख सकते हैं। और ये दूसरा दो किस्म के यहाँ पर स्टार्स हैं, तो हम ये वाले स्टार्स भी ले सकते हैं ये इस तरह। अब इसको एक स्टार कुछ छोटा और कुछ बड़ा ऐसे हम ले सकते हैं। अगर आपको पंछी रात के वक्त में ऐसे बताना हो तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर लेंगे, और यहाँ पर ऐसे पंछी जो मून में दिख कर आ रहे हैं उस तरह से हम बना भी सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमें पेड़ बनाना है, तो पेड़ यहाँ पर से हम इस तरह का शेप लेंगे। ये शेप लेने के बाद उसको हम ये उसका जो वुड का कलर है वो वुड का कलर देंगे, और यहाँ पर इसको हम और डार्क भी कर सकते हैं। तो नाइट के वक्त में जैसा दिखना चाहिए हो तो वैसा ले लेने के बाद उसको ओके करेंगे इस तरह।
अब यहाँ पर ट्री बनाने के लिए यहाँ पर एक शेप है क्लाउड कॉल आउट नाम से, तो इसको इसकी मदद से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और उसको कलर इस तरह देंगे। कलर ये देने के बाद हम इसे भी इस तरह से उसमें फिल कर देंगे, या फिर दूसरा थोड़ा सा कलर मिलता जुलता इसमें ग्रीन में वो लेना होगा। तो ये कलर भी अच्छा है। अब इसमें फ्रूट वगैरह अगर कुछ होता है तो रात में थोड़ा सा वो शाइनिंग नहीं दिखेगा, तो इस तरह से इसमें कर सकते हैं। कंट्रोल जेड हमें करना होगा, अगर इस तरह से पूरा अगर फिल हो जाए तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है और सिर्फ एक मरतबा जेड को प्रेस कर देना है तो बैक आ जाएगा। अगर ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें अगर नहीं रखना है तो हम यहाँ पर इरेजर लेंगे। अब इरेजर वाइट है तो इसको हमें कलर के लिए कलर टू में आना होगा, और ये इरेजर के लिए यहाँ से ब्लैक हम सेलेक्ट करेंगे। ये इरेजर इस तरह से आ रहा है। अब हम यहाँ पर ये शेप लेंगे घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए शेप लेने के बाद यहाँ से हम कोई एक कलर ले लेंगे और वहाँ पर इस तरह से इसको रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से दरवाज़ा डोर हम बनाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में डोर कहते हैं, और खिड़की जो होती है खिड़की को कहेंगे विंडो। तो ये दो खिड़कियाँ। अब इसको छत चाहिए, ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तो छत हम पुराने ज़माने टाइप में इस तरह से दे देंगे। ये बनाने के बाद अब हम हर जगह पर अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर से कलर वन पहले सेलेक्ट करना होगा, तब जाकर वो प्रॉपरली इसमें हम कलर्स दे सकेंगे। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर ये कलर दे देंगे इसे। अब रह गए विंडो और डोर के कलर, तो हमें जो भी कलर अच्छा लग रहा हो तो हम वहाँ से उसे ऐड भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम कलर्स दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल है, आप उसके बाजू में अलग से इस तरह से चिमनी वगैरह कुछ बना सकते हैं। वहाँ से घर के ऊपर जैसे होता है, यहाँ पर लक्कर ही बना देंगे हम अलग से ना लेते हुए, लेकिन इसे एडजस्ट करना होगा आपको कलर के साथ, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप ऐसे इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इसके टेक्सचर्स मतलब शेड दे सकते हैं ऐसे, या फिर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे और उसको नाम दे देंगे। इसका इटैलिक हम यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे मास प्लाजा, इस तरह से कुछ भी हम नाम डाल सकते हैं। और ये स्ट्राइक थोड़ा भी हटा देंगे जिससे वो कट दिख रहा है, और थोड़ा सा फॉन्ट को कम कर देंगे ताकि वो फिट हो जाए। यहाँ आने के बाद इस तरह से हम ये बना सकते हैं। तो मास प्लाजा और जो भी लिखना है आप आपके नाम लिख सकते हैं। फिर आपको जितना भी दिमाग लगाना हो, अगर आपको यहाँ से नहर बहती हुई बताना हो, रात में दरिया टाइप में, यानी एक नहर भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ से हम ऐसे नहर निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये नहर के लिए कलर ले लेंगे और ये कर्व हो जाएगा। इस तरह से हम ड्रॉ करके लाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देंगे, और दूसरा शेप सेलेक्ट करना है ताकि वो बिगड़ ना जाए। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ले लेंगे शेप, इस तरह से भी हम ले सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पर फिल कलर से जो भी नहर में हमें कलर
फिल करना वो कर सकते हैं, लेकिन यहां से वो फिल होना चाहिए अच्छे से कि नीचे तक ऐसे फिल जब हो जाएगा तब जाकर वो प्रॉपरली पैक हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से एक्यूरेटली उसको ऐसे कर देंगे और दूसरा शेप लेने के बाद फिर से वही शेप लेंगे। अब उसके बाद हम ट्राई करेंगे ये कलर, तो इस तरह से ये यहाँ से नहर जारी हो गई। इधर का बैक लेने के लिए हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ से नहर। अब इसको हम मज़ीद नाइट के हिसाब से थोड़ा सा गहरा कर सकते हैं, तो ये इस तरह से नहर हो गई। उसमें हल्का हल्का आप इस तरह से थोड़ा सा टेक्सचर में वो बना सकते हैं, कुछ पत्ते आप नीचे बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लीफ बना सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गई एक ड्राइंग, और इसी तरह से आपको और भी ड्राइंग्स बनाने होंगे जो नेक्स्ट हम असाइनमेंट में देखेंगे। इसे हम सेव करेंगे यहाँ से, फाइल सेव एस JPG, और वहाँ पर लिख देंगे मास पेंटिंग असाइनमेंट 2। और इसे देखकर आपको सेम ऐसे ही बनाना है।